हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दिस इज साक्षी अग्रवाल। सो इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करन जा रहे हैं पी ट्रिपल एस पी क्लर्क दा जिहड़ा एग्जाम 2021 दे विच होया सी, उहदे आपां कंप्यूटर नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखांगे। ओके, पार्ट वन है इस सीरीज दा। सो स्टार्ट करदे हैं। सब तो पहला देखो, अपने कोल पहला क्वेश्चन है कि इन्हां विचों किहनूं फादर ऑफ परसनल कंप्यूटर बोलदे हैं। ओके, सो हुण आंसर देखदे हैं। आंसर आऊगा हैनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। ओके, बिकॉज इन्होंने एक टर्म दी सी परसनल कंप्यूटर, तो इन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न परसनल कंप्यूटर मनिया जाता है। ठीक है, कि रिलीज तो बाद ऑल्टेयर 8800 ऑन दिसंबर 1874। ठीक है, तो उस बाद पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रंट कवर से भी पब्लिश किया गया 1975 के। बस ये कुछ नहीं याद रखना, मेन याद रखना है कि फादर ऑफ मॉडर्न परसनल कंप्यूटर बोलते हैं। सो आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवर्ड रॉबर्ट। नैक्सट, इन्हों के फीचर है एम एस पावर पॉइंट का जिन्हों यूज किया जाता है अप्लाई करने के लिए मोशन इफेक्ट्स ऑबजेक्ट्स ने जिड़िया स्लाइड के अगर आप मोशन इफेक्ट देना है तो इन्हों आप फीचर यूज करते हैं एम एस पावर पॉइंट का। स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनीमेशन स्कीम या नन ऑफ द अबव। सो देखो तो आंसर क्या होगा, सी, दैट इज एनीमेशन स्कीम। ठीक है, जिहड़ी एनीमेशन स्कीम होंदी है वो एक पहला तो डिफाइन स्लाइड ट्रांजिशन होंदी है ते कलेक्शन होंदी है एनीमेशन इफेक्ट्स की जिन्हों के एक स्लाइड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने उपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो देखो जिम्मे इतने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक मोस्ट बेसिक टाइप जी एनीमेशन स्कीम है वह हैगी अपीयर। ठीक है, सो यदा मतलब की है कि जो पैराग्राफ है टैक्सट का अपीयर हो जूगा एक टाइम के जो भी तुम अपीयर करवाना चाहते हो, मतलब वो टाइम बाय टाइम चीज़ अपीयर होगी जो आप अपीयर एनीमेशन यूज करते हैं। ओके, उस तो बाद हुण अगर आप आंसर देखिए कि आप कोई भी जिहड़ा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ने उन्होंने मोशन इफेक्ट दे सकते हैं एनीमेशन स्कीम के नाल। उस तो बाद एक थोड़ा मैं चीज़ दसना चाहनी है पी ट्रिपल एस पी का जिहड़ा कंबाइन कोर्स है, थोनों इमेज भी नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, वो अवेलेबल है उदे विच जिहड़े पी ट्रिपल एस पी के अलग अलग एग्जाम्स निकले हुए हैं उन्होंने भी जो कॉमन सिलेबस वो कवर करवाया जा रहा है। सो तुसी उहदी डिटेल्स लै सकते हो 8054070091 के उपर वट्सएप करके या फिर meenti.bachcha@gmail.com के उपर ईमेल करके थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, सो अगर तुम चाहते हो कि आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोड़ा मिले तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो। सो नैक्सट क्वेश्चन है लाइट पेन की होंगे है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। सो देखो ये बेसिक कंप्यूटर का पार्ट है बेसिकली। ठीक है, जो टॉपिक है, सो जो लाइट पेन होंगे वो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, मतलब वो आप इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, कि फॉर्म के लाइट सेंसिटिव वैन की फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो इनू यूज़ किया जाता है कि कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के ना जिन्होंने आप सीआरटी डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। सो अगर आप गल करिए लाइट पेन के एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ओके, नैक्सट अगर आप देखिए ASCII की फुल फॉर्म की है। सो देखो यदा आंसर की आऊगा, यद आंसर आऊगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ए दी फुल फॉर्म है, एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जिहड़े ये कोड्स होंगे रिप्रजेंट करते हैं टैक्सट नूं कंप्यूटर्स दे विच, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट दे विच ते अदर डिवाइसिस दे विच। सो इहदा आंसर की आऊगा, सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉर्मेशन इंटरचेंज। दैन नैक्सट, इन्हां विचों किहड़ा शॉर्टकट की नूं यूज़ किया जाता है अगर आपने स्पैलिंग चैक करने एक डॉक्यूमेंट दे विच। सो डॉक्यूमेंट दे विच स्पैल चैक करना तुसीं कि किहड़े किहड़े स्पैलिंग दे विच मिसटेक है या ठीक है। ठीक है, सो तुसी किहदी हेल्प नाल कर सकदे हो, इहदा आंसर की आऊगा F7। ठीक है, सो अगर तुसी ग्रामर मिसटेक्स लभना चाहते हो या फिर स्पैलिंग चैक करना चाहते हो तो सिंपली तुसी F7 नूं प्रेस करोगे तो यह चीज़ हो जूगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट, इन्हां विचों किहड़ा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, वैसे तुसी नाम पढ़ोगे तुहानूं SQL सर्वर नज़र आऊगा तो तुहानूं पता लग जूगा कि यही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं लगता। ठीक है, सब तो पहले आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे पढ़ते हैं। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होंगे उन्होंने एंटी मालवेयर भी बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम होंगे जिन्हों के यूज़ किया जाता है प्रिवेंट डिटेक्ट ते रिमूव करने के लिए मालवेयर, मतलब कोई भी वायरस है जो। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो डिवेलप किया गया से ओरिजिनली डिटेक्ट ते रिमूव करने के लिए कंप्यूटर वायरस। ठीक है, इसलिए यदा नाम है जो एंटीवायरस पै गया।
ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ SQL ਸਰਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਰਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਟਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ PSSSP ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ F5 ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ F5 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ F5 F7 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਪੈਲ ਚੈੱਕ ਲਈ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ MS Excel ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਕ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਕ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਲਰ ਓਕੇ ਸੋ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਨ ਮਰਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ PSSSP ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਏ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ